चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के मरवा गांव में बैल चराने के दौरान माओवादियों के द्वारा प्लांटेड लैंड माइंस ब्लास्ट के दौरान महेंद्र महतो की एक पैर उड़ जाने के बाद सरकारी सहायता के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह उनके घर पहुंचे और सरकारी सहायता के रूप में आवास, विकलांग पेंशन व मनरेगा योजना से एक कुआं निर्माण देने की बात कही थी। वीडियो साहब के पास जाने के बाद में वीडियो साहब ने हम लोग को बोले कि अगर रोजगार से रोशन लकड़ा नहीं करते तो खुद हम जाके मरवा में जियोटेक करेंगे और काल से आप काम शुरू करिए। महेंद्र को इतना बोलते हुए महेंद्र लोग चले गए। जाने के बाद में बजरंग से मुलाकात होती है हम लोग के साथ में। बजरंग ने बोले कि क्या क्या समस्या, तो हमने बोले कि इस तरह का है कि बजरंग जियो रोजगार से रोशन लकड़ा ने जियोटेक नहीं कर रहे, जिसे महेंद्र महतो को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बस इसी में रात के समय 6 बजे हमको फ़ोन करके दूरभाष में रोशन लकड़ा ने पूरा जान मारने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि आपको किसी भी पंचायत में चैनपुर में करने नहीं देंगे, जहां भी आप मिलेंगे वहां आपको मार देंगे। इस तरह का हमको धमकी दिया। अगर इस तरह का धमकी देगा सामाजिक कार्यकर्ता को तो आगे हम लोग किस तरह गाँव के लोगों को हम लोग सेवा प्रदाता दे सकते हैं। तो इसके खिलाफ आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? इसके खिलाफ हम अभी तक तो उस तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक बार बोल दिया, फिर भी से हम लोग सोच रहे हैं कि डीसी को एक लेटर लिखेंगे, एसपी को भी लेटर लिखेंगे, ताकि हमारा जान माल सुरक्षा रह सके। मेरा नाम ललित महतो हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता एराव सोसाइटी चैनपुर से हूँ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ सरकार वैसे व्यक्तियों को मदद करने की बात कहती है और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है, चूँकि वो एक आम नागरिक था और बैल गाय चराते समय उसको लैंडमाइंस उसका पैर उड़ गया था और सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा उसको मदद करने की बात कही गई थी और मदद हो भी रहा है, किंतु एक साधारण सा रोजगार सेवक जो प्रशासन का एक छोटा अंग है, जिसको पूरी जानकारी होते हुए भी उन्होंने उस व्यक्ति को धमकी देता है। भैंस चराने के दौरान में जंगल में इसका बायां पैर लैंड माइंस में इसका एक क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह से, और ये सरकार से गुहार लगाते रहा, लेकिन आज तक ना इसका पेंशन मिल रहा है और ना तो आज तक जो मुआवजा देने की बात है वो मुआवजा ही मिल रहा है। वीडियो को बहुत चक्कर लगाने के बाद में सामाजिक कार्यकर्ता ललित महतो के द्वारा जाके रोज की परवरिश से इनका विकलांग तो बन गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं गया है। और ये वीडियो साहब की ओर से दिया गया था आश्वासन कि कुआं प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना कुआं हुआ है और ना तो इनका आवास ही मिला है। बेचारा मारवा से सुदूरवर्ती से वहां से एक पैर में आना में इसको बहुत काफ़ी दिक्कत होता है और इस तरह का तक चक्कर लग रहा है। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है कि आने जाने का साधन नहीं है इसके पास में, पैसा नहीं है घर में। कुआं खुदवाने में क्या दिक्कत? कुआं खुदवाने में अभी तक जियोटेक नहीं हो रहा है, रोजगार सेवक जाता ही नहीं है उस गांव में। क्या कह रहा है रोजगार सेवक? रोजगार सेवक का कहना है कि हम आपके कहने से नहीं आएंगे। किसके कहने से जाएगा? तो पता नहीं, अब तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके कहने में जाएगा। अभी आप लोग वीडियो से मिले तो क्या वीडियो से मिले तो वीडियो बोले कि हम जाके आप कराइए कुआं, और नहीं अगर रोजगार सेवक जाता है तो हम खुद जाके जियोटेक करेंगे। यही अभी आश्वासन दिया वीडियो साहब। क्या रोजगार सेवक का नाम है? रोजगार सेवक का नाम है, क्या नाम है? रोशन बरवा। रोशन बरवा ना, रोशन लकड़ा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा ललित महतो नाम हुआ। आपका क्या नाम हुआ? इंदर महतो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।